मरकजी सरकार की तरफ से उड़ी श्रीनगर शहरा को कुशादा करने के हवाले से जहां सरकार ने इस मंसूबे को मंजूरी दी, तो वहीं बारामूला के कई मकामात पर मुनहदिम कार्रवाइयां जारी है। बारामूला के संग्रामा में लोग अपने आप ही अपने तामीरात को हटा रहे हैं, मगर कुछ शिकायत कर रहे हैं कि इन्हें सरकार पूरा मुआवजा नहीं दे रही है, जिसको लेकर वो काफी परेशान है। डीडीसी संग्रामा इरफान हफीज लोन ने आज संग्रामा जाकर लोगों की शिकायत को सुना। इरफान हफीज लोन ने लोगों को कहा कि वो सब्र तहमुल से काम ले। उन्होंने मजीद कहा कि वो इस मामले पर सरकार से बात करेंगे और जो मुमकिन इकदाम होंगे वो उठाए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि वाइडनिंग ऑफ जो नेशनल हाईवे है उसके बारे में कहना चाहूंगा, और दूसरा हमारा यह लोकल इशू एक है हारितार और अमरपोरा का, उसके बारे में कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं नेशनल हाईवे के बारे में कहना चाहूंगा, ये आपको मालूम होगा कि 800+ करोड़ जो सैंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, ये जम्मू कश्मीर, कश्मीर के लोगों की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, खुसूसन नॉर्थ कश्मीर के लोगों की, कि वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे हो। क्योंकि हमने हमेशा कहा कि अगर आप देखेंगे जो 60s में मूवीज में रोड है सफेद है, वही आज भी एग्जिस्ट है। और उससे क्या होता था, एक हमारा ट्रैफिक जैम होता था, ये डेथ ट्रैप बन चुका था, जो एक घंटे का सफर था 4-4 घंटे लगते थे। तो अच्छा डिसीजन हुआ, हमारी जितनी भी मीटिंग हुई, आउटरीच केंद्र सरकार का था, उसमें भी जितना भी हमसे हुआ, दिल्ली भी हम खुद से भी गए और सब लोगों ने, हमारी काउंसिल ने भी कोशिश की, हमारी डीसी मैम भी लगी हुई है, सारी टीम वर्क है, हमारी चेयरपर्सन, सब लोगों ने कोशिश किया। और इसमें हमारी तब डिमांड थी काम शुरू होना चाहिए, लेकिन NHIDCL करना चाहिए, क्योंकि बीकन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। लेकिन कुछ वजूहात, हम दिल्ली भी गए, मंत्री महोदय ने, इन्होंने क्या कहते, नितिन गडकरी जी ने कहा था कि NHIDCL करे, लेकिन नहीं हुआ। अब बीकन ने इसे किया है, तो इंशाल्लाह उसमें फर्स्ट फेज में 3G चल रहा है, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं वाइडनिंग। अभी हमने चीफ इंजीनियर जो इसके साकेत साहब है बीकन के, उनसे बात की, उनको हमने ये एक सजेशन दिया कि वो इसमें जो पैगिंग है, डिमार्केशन पोल्स दिखाए, बहुत पहले कुछ लगे थे वो उजड़ गए हैं, तो हम उसे एक लोगों को पता चलता क्या सिचुएशन है। उसके साथ साथ अभी आपको पता है कि संग्रामा जो है, संग्रामा के लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, यहीं से शुरू हो रहा है फ्लाईओवर जो इसका हिस्सा है। इसके 4 हिस्से आपको पता है, Package 1, Package 2, Package 3, Package 4। Package 1 से नॉर्मल से लेके डेलिना कानिसपोरा, और उसमें एक्स पटन का एरिया Package 2 में आता जो बाईपास है, फिर तीसरा है कानिसपोरा, तो बारामूला, लास्ट में उड़ी का है इसमें। तो हम ये कहना चाहेंगे जिस तरीके से संग्रामा के लोगों ने कॉपरेट किया, लेकिन इनकी एक शिकायत है और एक जेन्युइन शिकायत है, जो इनको इस वक्त मुआवजा मिला है वो इनको नेशनल जो एक्ट है, नेशनल हाईवे एक्ट, फेयर कंपनसेशन एक्ट में नहीं, लेकिन इनका जो नेशनल हाईवे एक्ट जो इसे गवर्न करता है, उसमें ये चीज है जो हमें लग रहा है, जो हमें कहा गया कि जो वर्क्स डिपार्टमेंट की ओर से जो वैल्यूएशन इसमें हुई, असेसमेंट जो हुई, वो शायद ठीक ढंग से नहीं हुई है, जो इनको मिलना चाहिए था। और उसके साथ साथ दूसरी शिकायत जो यहाँ के लोगों की है वो ये है कि जैसे लैंडलॉर्ड को, उनको भी उतना ज्यादा मिला नहीं बेचारों को, जो ओनर है, लेकिन जो लैंड टेनेंट है, जो किराएदार है, उनको भी ना इंसाफी है। एक वेलफेयर स्टेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार की, जो एक टेनेंट था जिसका रोजगार चलता था, जिसने दुकान खरीदा था, जिसने इसमें मेंटेनेंस लगाया था लाखों में, उसको बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, सरकार से गुजारिश है कि ओनर्स को भी इंसाफ मिले और जो टेनेंट है उनको भी इंसाफ मिले, रीजनेबल उनको मिले। दो इसमें उन्होंने अमाउंट तय किया है, डिस्बर्स भी किया, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि एक वेलफेयर स्टेट में सरकार की गुजारिश है। मेरी कुछ ऑफिशियल से बात हुई, हम एक्ट को अच्छे तरीके से देखेंगे और उसमें देखेंगे एक वेलफेयर की गुंजाइश है, तो उस वेलफेयर में हम देखेंगे किस हद तक सरकार इन लोगों की हेल्प कर सकता है। और दूसरी बात, मैं जहां तक अभी मैं अमरपोरा तर्जुआ है, मैं उम्मीद करता हूं उसमें, मैं सबसे पहले अपने चीफ इंजीनियर साहब का शुक्रगुजार हूं, जिस दिन ये पहले CNT में रखा था, कैंसल हुआ है, उसके नेक्स्ट डे मैं चीफ साहब के पास गया, RNB के जो चीफ इंजीनियर है, SC साहब ने मदद की, मैं चीफ साहब का इतना शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना बिजी शेड्यूल में मेरे साथ 2 घंटे उसके नेक्स्ट डे दिए और पूरा प्रोजेक्ट खोल दिया सामने, और मुझे यकीन दहानी की कि तर्जुआ अमरपोरा रोड होगा, चीफ इंजीनियर कश्मीर। और मैंने तब वो लोगों के साथ फेसबुक पे शेयर भी किया, और मुझे उम्मीद है आप उसमें टेंडर खुल रहे हैं,
मैं बहुत खामोश रहा, इस वजह से बहुत सारे लोग इसे सबोटेज करना चाहते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से चीफ इंजीनियर साहब ने दूसरे ही दिन मेरे मिलने के बाद मेरी चेयरपर्सन काउंसिल की भी मिली और दूसरे दिन वो सोपोर आए, पुरानी जेईस को लाए और वे आउट निकाला इस प्रोजेक्ट का, इस रोड का जो अमरपोरा तारजुआ है, मैं चीफ इंजीनियर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं। खुसूसन हमारे एसी साहब शेख जावेद साहब जिन्होंने बहुत कोशिश की, लगातार मैं उनसे रابطे में पूरे डिपार्टमेंट से रहा और उसमें इंशाल्लाह काम शुरू जल्दी हो जाएगा। और हारितार के लोगों को भी बोलना चाहूंगा, हम कुछ दिन के बाद वहां जा रहे हैं ऑफिशियल्स के साथ, इंशाल्लाह अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वहां भी काम शुरू होगा। शुक्रिया।